विजयलक्ष्मी शर्मा, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज़। विधायक बाद द्वारा लगाई गई किसानों की चप्पल, किसान विधेयक बिल को लेकर लोगों को दी जानकारी। किसान बिल को लेकर विपक्ष द्वारा ट्रैक्टर चलाकर लोगों और किसानों को किया जा रहा है भ्रमित। किसान बिल किसानों के हित में होगा फायदा, गांव गांव पहुंचकर किसानों को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाएगी जानकारी। विधायक बारानी पछालिका सिंह ने बताया, किसान देश की रीढ़ की हड्डी, भाजपा पार्टी नहीं होने देगी किसानों का नुकसान, हर संभव किसानों के साथ। किसान बिल किसानों के लिए हितकर, ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बिकेगा किसान का अनाज। थाना बसई अरेला क्षेत्र के बसई भदौरिया में किसान की चौपाल लगाकर दी गई जानकारी। जो आज हम प्रधान हैं, जो जिला पंचायत के सभासद हैं और हमारे साथ जो पत्रकार आए हैं और इस ग्राम पंचायत के किसान बंधु जो आज एकत्रित हैं, आप लोग सबको मेरा नमस्कार। आप लोग के बीच में आए हैं कि किसान विधेयक के बारे में चर्चा करने। किसान विधेयक निकला, तुरंत विपक्ष इसके खिलाफ मोर्चे में निकला। ये अच्छा है बुरा है ये उसमें मैं पूरी अभी गई नहीं हूँ ये कहने के लिए कि ये बुरा है, लेकिन जितना मैं किसानों के बीच में आई हूँ माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री के की बात रखने की, ये विधेयक जो किसानों के लिए आया है वो किसानों के फायदे में है। विपक्ष बड़ी जोर से निकली है ये कहने के लिए कि फायदेमंद नहीं है, ट्रैक्टर जला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, सब निकले हैं गांव-गांव जाने के, समझाने के लिए किसान को कि किसान अपने देश की रीढ़ की हड्डी है और उसका नुकसान कभी हम लोग होने नहीं देंगे। जो विधेयक निकला है उनके भला के लिए है, उनको थोड़ी सी ये श्योरिटी मिलती है कि जो आपका आपने उगाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बिकेगा और फायदा किसान का होगा हर तरीके से। इसी को निकले हैं गांव-गांव बताने भारतीय जनता पार्टी। हमारे जो इस तहसील के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, सबको लेके मैं यही बात बताने जा रहा हूँ। आज हमारी माननीय विधायक जी द्वारा पिधाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत बसई भदौरिया में एक किसान चौपाल का जो आयोजन किया गया है, इसमें पूरे ही ब्लॉक क्षेत्र के किसान उपस्थित हुए हैं और यह समझाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा के जो सत्र में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय कृषि मंत्री द्वारा जो किसानों के हित में विधेयक लाया गया है, उसमें जो विपक्षी पार्टियाँ जनता को बदलाने का काम कर रही हैं, हम लोग जनता के बीच जाकर गांव-गांव चौपाल लगा कर यह समझाने का काम कर रहे हैं, यह विधेयक जनता के हित में है, इससे जनता का हित निश्चित है। किसान विधेयक जो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी की तरफ से जो पारित किया गया है, लाया गया है, जो राज्यसभा में पारित हो गया, माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ पहुँचा है, वो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको किया है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नीचे स्तर से और वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको पता है कि किसान को कितनी कितनी क्या परेशानी रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं किसान पुत्र कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी की तरफ से ये विधेयक बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है, किसानों को उसकी आय दोगुनी करने में बहुत ही मददगार है। जैसे विपक्ष इस पर अभी क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को तो मुद्दा मिलना चाहिए भले ही किसी के, वैसे ये जो विधायक अभी विधेयक जो बना है वो अभी नया नहीं है, इससे पहले भी कई राज्यों में वो पारित हो चुका है, चल रहा है, लेकिन विपक्ष को मुद्दा चाहिए कि कोई भी नरेंद्र मोदी सरकार या योगी सरकार के खिलाफ उसको तो हंगामा करना ही है। अभी जैसे किसानों का जो मेन हथियार है ट्रैक्टर जलाने वाला प्रकरण था कांग्रेस सरकार की तरफ से,
कांग्रेस सरकार भूल गई कि इस ट्रैक्टर के से ही किसान की आय चलती है, उससे घर चलता है, परिवार चलता है, उसको जलाया है किसान, देश के किसान उसका जवाब कांग्रेस सरकार को बहुत अच्छी तरीके से देंगे। जिस तरीके से उसके हथियार को जलाया गया है, उसी को जलाकर कूड़े फेंकने का काम भारतीय किसान अगले चुनाव में जरूर करेंगे। और जैसे इस विधेयक से किसान को क्या क्या फायदे हैं? उसको विधेयक से किसान को एक तो MSP पे जो भी MSP पे अभी तक जो किसानों को नॉलेज नहीं थी पूरी, वो भी नॉलेज ऑनलाइन बेच सकते हैं, नॉलेज भी मिलेगी और डायरेक्ट किसान बड़े व्यापारी के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो आगे जो अभी जो एक फसल या दो फसल जो भी करते थे, नई नई फसल करके और उससे मुनाफा कमाने का फायदा पूरा।